हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल कृष्णा पॉसिबल गेमर। और आज मेरे इस न्यू चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है, वो भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स इस ग्रेनी चैप्टर 2 गेम में। आज मैं आपको ग्रेनी चैप्टर 2 में कुछ 3 टाइप्स के ग्लिच दिखाऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और जिसमें इसको खेल के आप बुढ़े और बुढ़िया को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे मैं पहले प्ले करूँगा। मुझे अभी आपको सिर्फ दिखाना है वो ग्लिच, तो मैं अभी प्रैक्टिस में इसे प्ले करूँगा। अब गेम हो रहा स्टार्ट। इस गेम में अभी बुढ़े बुढ़िया घर पर नहीं होंगे, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। ये शुरू हो गया है, तो मैं जैसा जैसा करूँ आपको सेम वही चीज़ फॉलो करनी है और वो ग्लिच आपके काम कर जाएंगे। अगर एक बार ना काम करे तो दूसरी बार ट्राई करिएगा, ज़रूर काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर की ओर जाना है और आपको ये पॉट इसको उठा लेना है अपने हाथ में। ये उठाने के बाद आपको सीधे क्या करना है, ये जो रेलिंग है इसके ऊपर, देखिए अभी मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो रेलिंग है इसके पास जाके आपको ऐसे बैठ जाना है। अब बैठ जाने के बाद आपको इस जार को ऐसे कुछ ऐसे नीचे फेंकना है, इस तरीके से एकदम सेंटर पे नीचे फेंकिएगा। और फिर ऐसे आपको उठा के काफ़ी बार ट्राई करना पड़ेगा। ये थोड़ा टाइम लगता है इस ग्लिच में, पर ये ज़रूर ट्राई काम करेगा। वो नहीं रहा, अभी होएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं ऊपर आ चुका हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा पर ये देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ रेलिंग के। और ये बिल्कुल ही असली ग्लिच है, इसमें कोई कुछ ऐप या एप्लीकेशन कुछ इस्तेमाल नहीं की गई है। तो ये देखिए आप रेलिंग के ऊपर ऐसे आ जाएंगे और यहाँ से आप इधर इधर आप आ सकते हो। मैं नीचे आ गया हूँ, मैं अटक गया हूँ अभी इधर। तो ये था फर्स्ट ग्लिच जो आपको इस गेम में देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पर अटक गया हूँ अभी। तो ये ग्लिच है। अब चलिए मैं आपको अपने सेकेंड ग्लिच की तरफ ले कर चलता हूँ जल्दी से। तो सेकंड ग्लिच में भी आपको यही पॉट अपने हाथ में ले लेना है, इसके बाद आपको सीधा ऊपर जाना है। इस गेम में बुढ़े और बुढ़िया नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो सामने आपको जो गेट दिख रहा है इधर, ये इसको ऐसे आपको खोल देना है। ये गेट लॉक रहता है, आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। और इसके बाद आप इस गेट के पीछे यहाँ पर खड़े हो जाइए, एकदम जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही। इसके बाद आपको गेट को ओपन करना है कुछ इस तरीके से। अब देखिए गेट गायब हो चुका है। ओ एक मिनट, मैं साइड में नहीं हूँ, थोड़ा साइड में आपको रहना है। ये गिर गया पॉट। पता नहीं अभी काम नहीं करा, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा। इस ग्लिच को करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लिच काम कर गया। आप दीवार के आर पार आ चुके हैं। अब आपको उस साइड दीवार का आर पार का दिख रहा होगा अब आपको।
यहाँ पे अब आपको ग्रैनी कुछ भी नहीं कर पाएगी, आप यहाँ पे पूरे सेफ रहेंगे। तो ये था सेकंड ग्लिच जो मैंने आपको दिखाया। देखिए वो नीचे का दिख रहा है, देखिए मैं खड़ा हो गया हूँ फिर भी यहाँ पे देख रहा है। तो आप गेट बंद भी कर सकते हैं, इसको खोल भी सकते हैं, और फिर आप यहाँ से वापस भी आ सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड ग्लिच जो मैंने दिखाया। चलिए आप जल्दी से अपने थर्ड ग्लिच की तरफ चलते हैं। थर्ड ग्लिच में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे इस लैंप के ऊपर चढ़ सकते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले आपको लैंप को इस तरफ ऐसे हल्के से गिरा देना है एकदम सीधे, उसके बाद आपको लैंप के एकदम पास में जाके बैठ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉट एकदम सेंटर में ड्रॉप करना है, थोड़ा दो तीन बार करिए अगर एक बार ना हो। ये देखिए मैं यहाँ पे लैंप पे चढ़ गया, मैं लैंप पे चढ़ चुका हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैं लैंप पे चढ़ गया था बहुत ही आसान तरीके से, ऐसे लैंप पे आप चढ़ सकते हैं। तो ये थी मेरी थर्ड ग्लिच थी मेरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।